किस रूप में स्पेशल पैकेज मिला है? अगर आप मतलब मुझे, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, अगर देखा जाए तो बिहार का खुद का अपना बजट 2,50,000 करोड़ के तकरीबन होता है, मुझे एग्जैक्ट उसकी भी फिगर नहीं पता है, बट इसमें मिला क्या है? देखिए, हम तो उस पर, बिहार की जनता और विपक्ष उस पर अभी भी कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में शामिल है वो शायद थोड़ा शांत बैठेंगे। हमारे साथ हैं आरजेडी सांसद मीसा भारती जी। मैम, बजट को लेकर आज विपक्ष ने धरना प्रदर्शन भी किया बिहार को, लेकिन स्पेशल पैकेज जरूर मिला है, क्या ये धरना प्रदर्शन आप लोगों का लगातार जारी रहेगा? बिहार को किस रूप में स्पेशल पैकेज मिला है? अगर आप मतलब मुझे, मेरी मैथ इतनी अच्छी नहीं है, अगर देखा जाए तो बिहार का खुद का अपना बजट 2,50,000 करोड़ के तकरीबन होता है, मुझे एग्जैक्ट उसकी भी फिगर नहीं पता है, और इसमें मिला क्या है? मतलब अगर देखा जाए तो 50,000 इससे क्या होता है? बिहार की जो मांग रही है, बिहार की जनता की जो मांग रही है, प्रधानमंत्री जी भी चुनावी भाषण में जाके जब जब बिहार जाते हैं इसकी चर्चा करके आते हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा, स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, मुख्यमंत्री की डिमांड रही है। एक दिन पहले सर्वदलीय बैठक हुई, उसमें भी जेडीयू के नेताओं ने विशेष राज्य का दर्जा का मांग किया, तो उसको नकार दिया गया, तो आखिर ये मिला क्या? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये प्रधानमंत्री जी कुछ समय के लिए शांत अपनी कुर्सी बचाने के लिए मैं बिहार को और उस जो जो योजनाएं उसमें लाई गई है अंतर बिहार के, आखिर उसका समय सीमा निर्धारित है, अगर वो 10 साल बाद मिलेगा तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, कोई मायने नहीं है। आपको लगता है स्पेशल स्टेटस की जो मांग है वो कहीं ना कहीं डाई डाउन हो गई है, जिसका स्पेशल पैकेज जो मिल जाए? देखिए, हम तो उस पर, बिहार की जनता और विपक्ष उस पर अभी भी कायम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग सत्ता में शामिल है वो शायद थोड़ा शांत बैठेंगे, लेकिन अभी इंतजार करें। लालू जी की तरफ से बारे में बता दीजिए, क्या हुआ था जनता की जाना है? नहीं, उनकी कुछ जांच होनी थी हार्ट की, और वो बाकी उनकी बहुत सारी जांच थी जो दूर थी काफी समय से।